वेलकम। टुडेज टॉपिक इज सॉफ्ट फोक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं फोकिंग क्या होती है। इन ब्लॉकचेन हम जानते हैं सारे ही ब्लॉक्स आपस में रिलेटेड होते हैं। इसी रिलेशन को हम लोग फॉर्म करते हैं यूजिंग सेट ऑफ रूल्स, जिनको हम कहते हैं प्रोटोकॉल। तो फॉर एग्जाम्पल, हमारा प्रोटोकॉल है कि ब्लॉकचेन में ब्लॉक का मैक्सिमम साइज शुड बी 1 MB। उस केस में ब्लॉक 1 जिसका साइज है 0.5 MB विल बी एडेड, ब्लॉक 2 जिसका साइज है 0.2 MB विल ऑल्सो बी एडेड, बट ब्लॉक 3 जिसका साइज है 1.5 MB उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे या ब्लॉकचेन में ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज उसका मैक्सिमम साइज हमारे मैक्सिमम साइज से ज़्यादा है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हम चाहें तो इस रूल्स में चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नया रूल बनाऊं और कहूं कि अब हमारे ब्लॉकचेन में ब्लॉक का मैक्सिमम साइज शुड बी 2 MB, तो उस केस में हम अपने 1.5 MB वाले ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड कर सकते हैं और ये ब्लॉक 2 से इस तरह से ऐड हो जाएगा। सिमिलरली, ब्लॉक 4 आया और उसने 1.2 MB का साइज डिक्लेयर किया, तो उसको भी हम ब्लॉकचेन में ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो मेरे नए रूल को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे दो तरह के माइनर्स बन जाते हैं, ऐसे माइनर्स जो नए रूल को फॉलो कर रहे हैं और कुछ पुराने माइनर्स जो पुराने रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है आपका नया ब्लॉक किस माइनर ने माइन किया है, उसके अकॉर्डिंग हम ब्लॉकचेन में ब्लॉक्स को ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ब्लॉक 5 जिसको 0.7 MB पे माइन किया गया है, वो दोनों ही रूल्स को फॉलो कर रहा है, 1 MB एंड 2 MB, बट उसको एक पुराने माइनर ने ऐड किया है, तो उसको हम लोग ब्लॉकचेन में ब्लॉक नंबर 2 के बाद ऐड करेंगे, जहाँ पे हम उसको रिलेट कर सकते हैं विद ब्लॉक नंबर 2। तो अब आप देख रहे हैं हमारा यहाँ पे एक फोक क्रिएट हो गया है। फोकिंग इज व्हाट? पार्टीशन। तो एक चेन ऐसी है जो नए माइनर्स की है और एक चेन ऐसी है जो पुराने माइनर्स की है, जो दोनों ही रूल्स को फॉलो कर रहा है या किसी एक रूल को फॉलो कर रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं फोकिंग। अब ये दो तरह से हो सकता है, जिसको हम लोग आगे समझेंगे। तो फोकिंग की डेफिनेशन हम फॉर्म कर सकते हैं कि जब भी आपके सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस आए हैं या कोई अपडेट्स आए हैं और आप कोड में चेंजेस कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे फोक्स। ओके, तो ये फोकिंग दो तरह की होती है, सॉफ्ट फोक्स एंड हार्ड फोक्स। आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे सॉफ्ट फोक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉफ्ट फोक्स आर बैकवर्ड कंपैटिबल। बैकवर्ड कंपैटिबल का मतलब है कि हमारी चेन में दो डिवीजन होंगे, पुराने माइनर्स के लिए और नए माइनर्स के लिए। तो जब भी आप ब्लॉक माइन करेंगे तो ये बैकवर्ड कंपैटिबल होगा, यानी कि आप पुराने रूल में भी शिफ्ट कर सकते हैं और नए रूल में भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो आपकी चेन कुछ इस तरह से चल रही होगी और यहाँ से अगर आपका फोर्क हो गया है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फोर्किंग के दौरान पुराने रूल और नए रूल में शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो इट विल बी अ ज़िगज़ैग कॉम्प्लीमेंट, अगर आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो इट इज़ बैकवर्ड कंपैटिबल। जब भी हम लोग सॉफ्ट फोर्क को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम लोग फोर्सफुली चेंजेस नहीं कराते हैं, बट ग्रेजुअली क्या होता है, कुछ स्टेल ब्लॉक्स होते हैं जो पुराने रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, वो धीरे धीरे इनवैलिड हो जाते हैं क्योंकि नए ब्लॉक्स को हम लोग वैलिड मानने लगते हैं। ऐसे केस में हमारे पास जितने ज़्यादा लोग नए रूल्स को फॉलो करने लगेंगे फोर्क के बाद या पोस्ट फोर्क, तो उतना ज़्यादा हमारा ब्लॉकचेन सक्सेसफुल या स्टेबल हो पाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं सॉफ्ट फोक को। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास पुराना रूल है विच इज़ कि हमारा ब्लॉक का मैक्सिमम साइज़ होगा 1 MB का, और नया रूल कहता है कि हमारे ब्लॉकचेन में ब्लॉक का साइज़ होगा 0.5 MB। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पुराने रूल्स को फॉलो किया है और कुछ लोग ऐसे हैं जो शिफ्ट कर चुके हैं नए रूल्स के तहत। तो अब हम लोग देखेंगे ब्लॉक्स माइन होते हैं तो किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पर देखेंगे कुछ माइनर्स जो पुराने रूल्स को फॉलो कर रहे थे, उन्होंने दो ब्लॉक्स को माइन किया है, 0.4 और 0.5। तो उन्होंने एक ब्लॉकचेन को फॉर्म कर लिया है क्योंकि वो 1 MB के रूल को फॉलो कर रहा है। देर इज़ नो प्रॉब्लम, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। नेक्स्ट इज, जब माइनर ने 0.8 वाले ब्लॉक को माइन किया तब भी वो रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए हमने 0.8 MB के ब्लॉक को भी इसके साथ ऐड कर दिया। स्टिल देर इज़ नो प्रॉब्लम, कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। बट अब यहाँ से देख सकते हैं एक नया ब्लॉक माइन हुआ है 0.3 MB का, 0.4 MB का, बट ये ब्लॉक माइन किए हैं ऐसे माइनर्स ने जो नए रूल्स को फॉलो करते हैं। तो हमने इस ब्लॉक को ऐड किया है यहाँ पे। अब रीज़न क्या है, हम 0.8 के बाद इस ब्लॉक को ऐड कर सकते थे क्योंकि 0.3 MB का जो ब्लॉक है वो 1 MB के रूल को भी सेटिस्फाई कर रहा है। बट अगर उस केस में हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास जो नया ब्लॉक आएगा विच इज़ 0.4 MB, उसको हम 0.3 MB के बाद नहीं लगा पाएंगे, बिकॉज 0.8 MB का ब्लॉक जो है वो हमारे नए रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे इस केस में यहाँ पे फोकिंग हो चुकी है। ये फोक कैसे क्रिएट हुआ है, सारे ही ब्लॉक सारे ही गिवन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, बट नए रूल्स के अपडेशन के बाद आप 0.8 MB के 8 MB के ब्लॉक के बाद 0.3 MB का ब्लॉक ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो नए MB के नए
रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ेंगे और नए नए ब्लॉक्स माइन करते रहेंगे तो आप देखेंगे सारे ही ब्लॉक हमारे 0.4 MB के बाद ऐड होंगे, 0.8 MB के बाद ऐड नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम इस ब्लॉक को क्या कर देते हैं, एक इनवैलिड ब्लॉक डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सॉफ्ट फोक हुआ है। सॉफ्ट फोक का मतलब है कि हमने इस ब्लॉक को इनवैलिड ब्लॉक नहीं माना, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे नए ब्लॉक्स माइन होते रहे ये ब्लॉक खुद ही इनवैलिड हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगर कोई नया ब्लॉक माइन होगा 0.5 MB का तो वो 0.4 MB के बाद ही ऐड होगा, 0.8 MB के बाद नहीं होगा, इवन इफ उसे कोई पुराना माइनर माइन करता है तब भी, क्योंकि पुराने माइनर ने माइन किया तो 0.8 के बाद तब भी ऐड नहीं कर सकता क्योंकि 0.8 MB हमारे 0.5 MB के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। सो दिस इज नोन एज सॉफ्ट फोक। एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे, सेगविट। सेगविट एक बहुत पॉपुलर सॉफ्ट फोक है जिसका पूरा नाम है सेग्रीगेटेड विटनेस फोक। ये आपका बिटकॉइन और बिटकॉइन कैश के स्प्लिट के बाद जनरेट किया गया था। ये एक सॉफ्ट फोक का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।